सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाथ की रेखाओं के द्वारा आप किस तरह से समझेंगे कि आपके जीवन में धन संपत्ति या व्यापार रोजगार का जो उचित समय है वो कब है। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मुख्य रेखाओं को। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और शनि रेखा, या जिसे भाग्य रेखा भी कहते हैं। लेकिन भाग्य रेखा के ऊपर हम आज ये डिस्कस करेंगे कि भाग्य रेखा द्वारा यह किस तरह से निर्णय करें कि आपके जीवन में धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति के शुभ लक्षण कब शुरू होते हैं। अगर इस तरह से कोई शनि रेखा बनी हुई है नीचे से ऊपर की ओर शनि पर्वत तक, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को काफी कम उम्र से ही इनकम करने का लगाव बढ़ जाता है। और अगर शनि रेखा के पैरेलल कोई रेखा इस तरह से निकल रही हो तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का उस समय का काल, मतलब कि जीवन के उस पड़ाव में धन संपत्ति का योग बना रहता है। वो किसी भी ऐसे सोर्स से या किसी भी ऐसे माध्यम से अपने जीवन में अचानक से धन संपत्ति लाभ करता है। लेकिन ये पैरेलल रेखा ये भी बताती है कि जीवन के उस समय में व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रगल करके ही धन संपत्ति का लाभ होता है। चंद्र पर्वत से शनि रेखा निकलकर, पहले मैं इनको मिटा देता हूं, इस तरह से चंद्र पर्वत से शनि रेखा निकलकर इस तरह से शनि पर्वत तक जाए तो व्यक्ति जो है धन प्राप्ति अपने एक नैतिक साधन से करता है, यानी कि वह इनकम टोटली पूरी तरह से लीगल होती है। और इस रेखा का लाभ तभी होता है जब रेखा शनि पर्वत तक प्रवेश कर जाए। उसके पहले तक, यानी कि हृदय रेखा के पहले वो समाप्त हो जाए या हृदय रेखा को छू ना पाए, तो इसमें लाभ प्राप्त करने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम जाती है। ठीक उसी के विपरीत, अगर वो हृदय रेखा को छू जाए या हृदय रेखा को क्रॉस करके शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो इसमें बहुत ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी ही। शनि की उंगली की जो मोटाई होती है, ये जितनी शनि की उंगली का बेस का ये चौड़ापन जितना है, उससे अगर एक समानांतर रेखा हम नीचे की ओर खींचे इस तरह से, तो ये शनि का क्षेत्र कह सकते हैं। पूरा एरिया जो है ये शनि के क्षेत्र में ही आता है। एक से ज्यादा शनि रेखा, यानी कि एक चंद्र पर्वत से निकली हुई शनि रेखा या भाग्य रेखा और एक ये सीधे पैरेलली इसके भी साथ साथ निकलते हुए दूसरी शनि रेखा बने, यानी दो या दो से तीन शनि रेखाएं बने और वो भी शनि के क्षेत्र से होते हुए गुजरे, तो व्यक्ति के इनकम के जो साधन हैं, इनकम के जो सोर्सेज हैं, वो दो तीन तरीके के होते हैं। और साथ में अगर जीवन रेखा निर्दोष और हाथ का जो शेप है वो गोलाकार लिए हुए हो तो इसका विशेष फल मिलता है। अगर इसी प्रकार शनि रेखा टूटी हुई हो, खंडित हो, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आगे बढ़ती हो और इसको कोई वर्ग इस तरह से घेर ले, तो समझ लीजिए कि उस समय में होने वाले नुकसान से रक्षा करती है। यानी कि जीवन के उस पड़ाव में कोई बड़ा नुकसान होते होते उससे रक्षा हो जाती है। अगर इसी प्रकार कोई दोषपूर्ण शनि रेखा ना रहे, बिल्कुल स्पष्ट शनि रेखा बने, तो ऐसी अवस्था में अगर वर्ग बने तो उस समय में डेफिनेटली बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। इस तरह से पतली शनि रेखा ऊपर तक जाए तो व्यक्ति का जीवन जो है कम संघर्षमय और काफी उत्तम क्वालिटी का होता है और व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धीरे धीरे हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसके विपरीत, अगर शनि की रेखा जो है थोड़ा मोटापन लिए हुए हो, तो जहां तक ये शनि रेखा थोड़ा मोटापन लिए या चौड़ा बना रहे तो वहां तक तो व्यक्ति को संघर्ष का जीवन जीना पड़ता है,
और जहां से शनि रेखा पतली होते हुए ऊपर की ओर जाती है, उस समय के बाद से व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ता है, उसके विपरीत कम संघर्ष में अच्छा धन प्राप्त होता जाता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर चौड़ी शनि रेखा या मोटी शनि रेखा खत्म होके पतली शनि रेखा निकल रही हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का सौभाग्य का समय भी वही होता है। जैसे सपोज इस आकृति में आप जैसा देख रहे हैं, शनि रेखा यहाँ से आरंभ होते हुए लगभग लगभग मध्य में जाकर ऊपर की ओर, फिर पतली शनि रेखा ऊपर की ओर जा रही है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को लगभग 30 से 35 साल के बीच में भाग्य उदय हो सकता है। तो आप भी देखें कि आपके हाथ में इस तरह की शनि रेखा बनती है कि नहीं। अगर बनती है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय उस समय पे होने वाला है। यानी अगर आप भाग्य रेखा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ऊपर से नीचे तक, तो उसमें आप ये समझ पाएंगे कि आपका कौन से समय में भाग्योदय हो सकता है। सपोज मैंने शनि रेखा को 5 मुख्य टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बराबर टुकड़ों में इस तरह से मैंने विभाजित किया, दस वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु और करीब करीब 30 वर्ष की आयु, उसके बाद 40 वर्ष, 50 और 60 वर्ष, तो करीब 30 से लेकर 35 के बीच के आयु में इस शनि रेखा का फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप इस उदाहरण के द्वारा अपने हाथ में भी देखिए और इसी तरह से डिवीजन करते हुए अपने सही समय का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि सही समय भाग्य उदय का या धन प्राप्ति का आपका कब से शुरू हो रहा है, ये जानने के लिए हाथ में इस तरह की रेखाओं को देखी जाती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।